सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम इस अपडेट के बारे में बात करने वाले, और गाइज पूरी डिटेल में बात करेंगे, जिसके बारे में गाइज आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, क्योंकि मुझे पता है गाइज उन सबको इनके बारे में नहीं पता और ऐसे मतलब अपनी बातें फेंकते रहते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूं, तो देखते रहो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक, और गाइज जानेंगे किस किस को अपडेट मिला या फिर नहीं मिला, किस किस को मिलेगा नहीं मिलेगा, उन सभी की डिटेल देने वाला हूं। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताने वाला हूं, जो कि ओप्पो वालों का है, तो अगर आप जानना चाहते हो देखो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे रेड कलर का बटन होगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेना, ताकि हम कोई सी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और गाइस अगर आपको कोई सी प्रॉब्लम होती तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पे यूजर नेम दिख रहा है, और साथ ही साथ मैंने इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके मुझे फॉलो कर लो अगर आपको कोई सी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो आप मुझे। सो बिना टाइम को गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमें दो दिन या फिर एक दिन पहले ये अपडेट रिसीव हुआ है, जिसके अंदर गाइज यहाँ पे लिखा हुआ 73 MB का ये अपडेट है, और गाइज यहाँ पे लिखा है दिस वर्जन इज इम्प्रूव टू ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ लो रैम मॉडल। तो गाइज जो ये अपडेट होने वाला है वो आपके होने वाले बिल्कुल रैम से रिलेटेड, मतलब गाइज आपकी जो परफॉर्मेंस जो बढ़ाता है, आपका जो मेन परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली चीज है वो है रैम, तो गाइज उसी के परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अपडेट को प्रोवाइड किया गया है। और गाइज मैं थोड़ी सी डिटेल और देना चाहूंगा, और गाइज सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो CPH 1803EX11A.21 का अपडेट है, मतलब गाइस देख सकते हैं 8.21, बट गाइस आपको पता होगा मैंने पिछले बार एक फॉर्म भरने के लिए बोला था आपको, तो गाइस वहां पे लिखा हुआ था जो ये अपडेट है वो सिर्फ 18 और 19 वर्जन वालों को मिलने वाला है, बट गाइस आपको पता होगा मैंने दिखाया था एक अपने वीडियो के अंदर कि मेरा 8.20 है, बट गाइस जो मैंने फॉर्म को फिल किया तो उसके बाद ही मुझे ये अपडेट मिल चुका है। सो गाइस ये तो मतलब कंफर्म हो चुका है कि जो ये अपडेट है सबको मिलने वाला है। तो गाइस अब बात करते हैं इस अपडेट के अंदर क्या क्या देखने को मिला है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लिखा है कि दिस वर्जन इम्प्रूव ओवर ऑल परफॉर्मेंस ऑफ लो रैम मॉडल, और गाइज यहाँ पे लिखा है कि अपडेट लॉक्स, मतलब क्या क्या गाइज इसके अंदर अपडेट दिए गए हैं, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी कंजप्शन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब गाइज जो आपकी एप्लीकेशन जितने भी एप्स हैं उन सबकी जो मेमोरी कंजप्शन होने वाली है उसे ना ऑप्टिमाइज करेगा, मतलब उन सबको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके प्रोवाइड करने वाला है। अब गाइज सेकंड में लिखा है कि टर्न लो मेमोरी किलर एज पर लो रैम मॉडल, मतलब गाइस जो यहाँ पे मेमोरी को जो खाने वाली चीजें होती है, जितनी चीजें आपकी बैकग्राउंड में चलती है उन सबको ये लो कर देगा, मतलब कि कम आपकी मेमोरी को ये खाने वाला है। उसके बाद लिखा है कि यहाँ पे लिखा है मेड ऑप्टिमाइजेशन टू द एग्जिटिंग लो मेमोरी किलर टू यूटिलाइज रैम बेटर। सो गाइज इसका मतलब ये है कि जितनी भी गाइज आपकी एप्लीकेशन आपके फोन में अवेलेबल उन सबकी गाइज जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाले, और जितनी भी गाइज जितनी भी एप्लीकेशन आपकी चल रही है उस सब में जितने भी मतलब वो मेमोरी को यूज कर रहे हैं उन सबकी मेमोरी को कम करने वाला है। सो गाइज बस यही था इस अपडेट के अंदर, और गाइज अब बात करने वाले। सो गाइज अब हम बात करेंगे आगे कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो वीडियो को देखो बिल्कुल एंड तक। सो गाइज यहाँ पे बहुत लोगों का कहना है कि भाई हमें अपडेट नहीं मिला है, और गाइज आपको मैंने शुरू में ही प्रूफ दिखा दिया, कितने लोगों ने बता दिया कि गाइज हमें अपडेट मिल चुका है, और गाइज ये हमें फॉर्म मतलब फॉर्म को फिल करने के बाद अपडेट मिला है। तो गाइज कौन सा फॉर्म है, और गाइज मुझे पता है कि उन लोगों को अपडेट नहीं मिला जिन्होंने इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल नहीं किया है। सो गाइज आपको करना क्या है, जो फॉर्म है उस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करना है, उसकी वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे एकदम प्रॉपर तरीके से फिल करना है, और गाइज प्रॉपर तरीके से करना बिल्कुल मतलब ज्यादा जल्दबाजी मत करना, अदरवाइज आपको जो फॉर्म है बिल्कुल गलत फील हो जाएगा। सो गाइस जिस जिसको अपडेट नहीं मिला उन्हें करना है क्या, इस फॉर्म को भरना है, और गाइस फॉर्म है एक बीटा अपडेट का फॉर्म, उसे जाके भर लेना, और आपको नहीं भरना आता तो उसकी मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो देख लेना कि उस फॉर्म को कैसे भरते हैं, उन सबको मिल जाएगा अपडेट, जब उस वीडियो को देख लेंगे उसके साथ ही साथ में फॉर्म को फिल कर देंगे। अब गाइस यहां पे हम बात करते हैं एक ग्रुप के बारे में। सो गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, यहां पे गाइस एक ग्रुप बन चुका है जो कि कलर ओएस वालों का एक ऑफिशियल ग्रुप है। तो गाइस यहां पे मतलब बहुत लोगों का ना मैसेज आ रहा है, मैसेज के अंदर ना एक ग्रुप का लिंक आ रहा है, तो गाइस लोग सोच रहे कि भाई ये मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट है फिर क्या है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आपकी कंफ्यूजन से दूर कर देता हूँ, सबसे पहली बात तो वो एक ऑफिशियल ग्रुप है, और उसका गाइस मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो गाइस वीडियो के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे जो ओप्पो से पूछा था लोगों ने कि ये ऑफिशियल ग्रुप है या फिर नहीं है, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओप्पो वाले ने बोला कि यस इट्स आवर ऑफिशियल ग्रुप ऑफ ओप्पो E3S अपडेट। सो गाइस इस ग्रुप से होगा क्या, मतलब कि गाइस जैसे कोई सी भी अपडेट आएंगे तो इसके अंदर जल्दी से हमें अपडेट मिल जाएगा, और गाइस जितने भी ओप्पो E3S के यूजर है सारे के सारे इस ग्रुप के अंदर कनेक्टेड है, ताकि वो एक दूसरे से बातें कर सके और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो गाइस आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हो, और गाइस अगर आपको कोई सी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बताना। और गाइस अगर हम बात करें कलर वाइज 6 के बारे में, सो गाइस उसके भी मतलब कहना ये है कि मतलब बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, मे बी शायद आपको नवंबर या फिर दिसंबर में देखने को जरूर मिलने वाला है। और गाइस यहाँ पे मतलब बहुत लोग ना ओप्पो A5 के बारे में पूछते हैं, A7 के बारे में पूछते हैं, तो गाइस उन्हें बता देना चाहता हूँ आपको सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहले तो ओप्पो A7 इन सबको मिलेगा, उसके बाद ही हमें ओप्पो E3S को मिलेगा। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस आज की वीडियो में इतनी, और टिल देन गुड बाय।